नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बारे में जो आज लेटेस्ट अपडेट आया है, अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, अली अब्बास जफर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने डायरेक्ट करने वाले है और दोस्तों वासु बगरानी फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। पूजा एंटरटेनमेंट के तहत ये फिल्म बनाई जा रही है। फिल्म का काफी इंतजार रहेगा क्योंकि काफी बड़ी स्टार कास्ट है इसमें और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दो सुपरस्टार, जो एक्शन सुपरस्टार जिनको कहा जाता है, चाहे वो अक्षय कुमार हो चाहे टाइगर श्रॉफ हो, दोनों ही एक्शन में माहिर माने जाते हैं, तो दोनों पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं। बीच में 2022 अक्षय कुमार के लिए अच्छा नहीं रहा, उनकी काफी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है। बल्कि मैं यूं कहूं कि जितनी भी फिल्में उनकी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है 2022 में, वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है। चाहे बच्चन पांडे हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे सम्राट पृथ्वीराज हो, या हालिया रिलीज राम सेतु हो। हालांकि कठपुतली फिल्म ने ओटीटी पर अच्छा बिजनेस किया है, अच्छे व्यूज हासिल किए हैं। तो दोस्तों, अब अक्षय कुमार ऐसे कलाकार है जो कभी हार नहीं मानते, उनकी कितनी भी फिल्में फ्लॉप हो जाए वो लगातार एक के बाद एक नई फिल्में करते रहते हैं। अभी मैंने आपको कल एक वीडियो में जानकारी दी थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल वो प्ले कर रहे हैं, मराठी मूवी है, महेश मांजरेकर उसको डायरेक्ट कर रहे हैं और उसका फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया था, फर्स्ट लुक आउट हो गया था, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। तो दोस्तों, अक्षय कुमार जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले करने वाले हैं, इसकी शूटिंग भी शुरू हो गई है। वहीं दोस्तों, उनके पास कैप्सूल गिल, बड़े मियां छोटे मियां जैसी कई फिल्में हैं, और भी कई फिल्में उनके पास है। तो बड़े मियां छोटे मियां की सारी लोकेशंस फाइंड आउट हो चुकी है, विदेशों में कई जगह पे बहुत ही शानदार लोकेशंस पे इस फिल्म को फिल्माया जाएगा और कई बड़े स्टंट डायरेक्टर, विश्व के नामचीन स्टंट डायरेक्टर इस फिल्म के स्टंट डायरेक्ट करेंगे। क्योंकि जब दो बड़े एक्शन स्टार होते हैं फिल्म में तो उसके एक्शन सीक्वेंसेस कमाल के होने चाहिए। तो दोस्तों, अब इस फिल्म से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट जो अभी सामने निकल करके मेरे सामने आया है वो ये है दोस्तों कि इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की एंट्री हो गई है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज सुकुमारन बहुत ही जबरदस्त एक्टर है, बहुत ही लोकप्रिय विशेषकर साउथ में, और दोस्तों इस फिल्म में वे एक विलेन की भूमिका में, नेगेटिव भूमिका में नजर आएंगे और उनका नाम कबीर होगा। उनका एक फर्स्ट लुक भी आउट कर दिया गया, उनका एक पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। तो अभी इस फिल्म में मजा आने वाला है। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की केमिस्ट्री तो होगी होगी, साथ में इन दोनों के बीच की जो जबरदस्त फाइटिंग होगी, जो जबरदस्त इनके जो फेस ऑफ सीन होंगे वो तो होंगे ही। साथ में दोस्तों, पृथ्वीराज सुकुमारन के आने के कारण अब ये फिल्म और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।